Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Priti Singh Your Educator, and today I am going to discuss a very important topic of Indian polity that is the schedules of the Indian Constitution. This topic is very important from the perspective of prelims and also from the perspective of mains. So, before we continue, here is a small announcement, dear students. For getting the PDF of my lectures and asking your doubts or queries related to my lectures, you can join my Telegram channel. you will be getting telegram link from description box also don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos so aaj ka jo hamara topic hai wo hai schedules of the indian constitution jisme hum log dekhenge ki hamare constitution mein total कितने शेड्यूल्स है Basically, शेड्यूल्स का मतलब क्या है इसकी historical background क्या है और इसके बाद से हम देखेंगे बेसिकली जो हमारा शेड्यूल्स है जो अमेंडमेंट्स हुए जो शेड्यूल हमने अमेंडमेंट के बेसिस पे ऐड किए वो सारी भी चीज़ें देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या हम लोग इसको अमेंड कर सकते हैं सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू सबसे पहले बात करते हैं कि वॉट इज शेड्यूल्स बेसिकली शेड्यूल को अगर शॉर्ट टर्म में डिफाइन करो तो क्या है एक टेबल है ये वो टेबल है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मैंसन नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एडिशनल डिटेल्स देता है लाइक like, अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं आर्टिकल वन टू फोर तो हमें पता है कि आर्टिकल वन टू फोर बेसिकली स्टेट से रिलेटेड या जो आपका स्टेट का अब बाउंड्री लेना या फिर जो भी चीज़ें हैं स्टेट का नेम यूनियन टेरेटरीज उनका इस्टेब्लिशमेंट एडमिशन तो इसके बारे में बात करता है पार्ट 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 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो आपका जो क्या है एक शॉर्ट टर्म शेड्यूल वन क्या बोलता है कि ये जो आपका शेड्यूल वन है बेसिकली एक इट क्लियरली सेज दैट कि जो हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम और उनके जूरिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अडिशनल अपनडाइसिस और अटैचमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अब क्वेश्चन रहता है कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है सो यस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन वॉट कैन वी डू वी कैन अमेंड मीन्स पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो अमेंडमेंट का पावर है वो किसके पास है पार्लियामेंट के पास है और हम लोग अमेंडमेंट के प्रोसीड्यूर भी देखे थे अमेंडमेंट में हम लोग तीन प्रोसीड्यूर देखे थे फर्स्ट वॉज द सिंपल मेजोरिटी देन वी शो द स्पेशल मेजोरिटी एंड देन वी शो द स्पेशल मेजोरिटी बाई द हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन उस पर मैंने आपको जो सिंपल मेजोरिटी बताया था तो वहाँ पे बताया था कि अगर आप बात करते हैं जो पहला शेड्यूल है दैट इज़ द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेट तो वहाँ पे आपको पता होगा कि अगर अमेंडमेंट करना है हमारे आर्टिकल हमारे शेड्यूल फोस्ट से रिलेटेड तो हमें क्या करना होगा बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना होगा इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो पता है कि अभी प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं सॉरी कितने शेड्यूल्स हैं ट्वेल्व शेड्यूल्स है बट ओरिजिनली देर वर एट शेड्यूल्स अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये जो कंसेप्ट है शेड्यूल का वो लिए कहाँ से है तो फर्स्ट टाइम ये हमारा जो शेड्यूल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव में मैंसन हुआ था और जहाँ पे कि टेन शेड्यूल्स थे बट जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किए नाइनटीन फोर्टी नाइन में तो वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हुए एट शेड्यूल से एंड प्रेजेंटली बाय वेरियस अमेंडमेंट्स देर आर ट्वेल्थ शेड्यूल्स मींस हमारा जो नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ शेड्यूल्स है चार शेड्यूल हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर एडोप्टन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अपने यहाँ बेसिकली चार शेड्यूल एड किए हुए हैं तो सबसे पहला जो शेड्यूल है वो क्या है बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग जितने ट्वेल्थ शेड्यूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो शेड्यूल है वो क्या कहता है बेसिकली आपका फर्स्ट शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है इट कंटेंस द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन ऑफ द स्टेट जो स्टेट का नेम है या यूनियन टेरेटरीज का नेम है उसको भी कंटेन करता है साथ, -साथ में टेरिटोल जुरिस्टिक्शन ऑफ स्टेट जो है ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है सेकेंड शेड्यूल जो है वो बेसिकली वो प्रोविजन ये जो आपका सेकेंड शेड्यूल है उस प्रोविजन के बारे में बात करता है जो कि सैलरी अलाउेंसेज प्रिवेलेज ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट स्पीकर डिप्टी स्पीकर chairman and deputy chairman, speaker and deputy speaker of the legislative assembly in the state, chairman and deputy, deputy chairman of the state legislative council in the state, then judges of the high court, judges of the uh, supreme court, and comptroller and auditor general of india. मतलब उनके जो अलाउंसेज है सैलरी है प्रिवेलेज है वो बेसिकली सेकेंड शेड्यूल में मैंसन है और बहुत से आर्टिकल्स हमें पता है जो पार्लियामेंट हम चैप्टर्स पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट का जो सैलरी कितना है उनके अलाउंसेज उनके प्रिवेलेज कितना है वैसे अगर हम लोग स्टेट स्टेट लेजिस्टेचर में हम लोग गवर्नर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें अगर जानना है कि उनकी सैलरी उनके अलाउंसेज उनके प्रिवलेजेस क्या है तो हमें सेकेंड शेड्यूल में ये क्लियरली मैंसन है यहाँ पर जितने भी नेम दिए हुए हैं ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्कर्स है बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट वर्कर्स उनके सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिवेलेजेस के बारे में बात करता है अब हम लोग बात करते हैं कि वॉट इज द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली थर्ड शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफॉर्मेशन के बारे में बात करता है और किसके ओथ और अफॉर्मेशन के बारे में बात करता है जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं लाइक प्राइम प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो दो कैंडिडेट्स हु आर बेसिकली फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड थर्ड कौन से जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है स्टेट मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्टर्स में आपके चीफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो 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 आ जाएंगे उसके बाद से द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्टर मतलब यहाँ पर जो यूनियन में था आपकी आपका बेसिकली जो स्टेट लेवल पे उनका ओथ एंड अफॉमेशन जो है उनके फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफॉर्मेशन जो है वो हमारे थर्ड शेड्यूल में आता है अब आपका जो फोर्थ शेड्यूल है वो क्या कहता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राजस्भा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज जो स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में जो उनका सीट्स का एलोकेशन होता है इन राज्यसभा वो कैसे डिसाइड होता है बाई द फोर्थ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि कैसे हम लोग स्टेट और यूनियन टेरेटरीज का सीट डिसाइड करेंगे इन राज्यसभा नॉट इन लोकसभा यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात किया जा रहा है वॉट इज़ फिफ्थ शेड्यूल एंड वॉट इज सिक्स शेड्यूल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज जो आपका फिफ्थ शेड्यूल है वो बताता है कि जो भी आपके प्रो रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन शेड्यूल ट्राइब्स वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में आए हैं वहीं आपका जो सिक्स शेड्यूल है ये बात करता है कि वो प्रोविजन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम मतलब ये चारे स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज हैं ट्राइबल आपके बोल सकते हैं शेड्यूल एरियाज हैं वो बेसिकली सिक्स शेड्यूल में हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिज़ोरम बाकी इसके अलावा जितने भी शेड्यूल्स एरिया हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में कंटेन हैं अब बात आता है कि व्हाट इज द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेवेंथ शेड्यूल जो है इट टॉक्स अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया हमें पता है कि हमारे कंट्री में क्या फेडरल स्ट्रक्चर है हम लोग देखेंगे आगे के कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ हम लोग फेडरल फीचर्स है भी है यूनिटरी फीचर्स भी है हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्यावासिव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो यहाँ पे सेवन शेड्यूल में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड द कंक्रीन लिस्ट ये डिवाइड हुआ है अगर आप प्रेजेंटली बात करें तो यूनियन लिस्ट में कितने लिस्ट हैं हंड्रेड सब्जेक्ट्स हैं बट ओरिजिनली कितने थे नाइनटीन सेवन सेवन थे और स्टेट लिस्ट में प्रेजेंटली कितने हैं सिक्सटी वन है एंड ओरिजिनली कितने थे सिक्सटी सिक्स थे मतलब आप देख रहे हैं कि दोनों का जो लिस्ट है अभी क्या है? यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो आपके स्टेट लिस्ट है ओरिजिनली आपका सिक्सटी सिक्स था बट अभी कितना हो गया सिक्सटी वन हो गया है बट अगर यहाँ पे देखिए आप जो यूनियन लिस्ट है वहाँ पे ओरिजिनली कितने था नाइन्टी सेवन था और अभी कितना हो गया हंड्रेड हो गया मीन्स यहाँ पे यूनियन लिस्ट का जो आपका लिस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है बट स्टेट लिस्ट का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हुआ है एंड जो कंकरेंट लिस्ट आता है उसमें ओरिजिनली कितना था फोर्टी सेवन था और अभी कितना हो गया फिफ्टी टू हो गया तो दैट इज़ द सेवेंथ शेड्यूल जो कि डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है बिटवीन द स्टेट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट एंड ऑल्सो थर्ड इज़ द कंक्रेस लिस्ट मतलब वहाँ पे स्टेट और जो आपका यूनियन है वो दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं अब हम लोग बात करते हैं एट शेड्यूल दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज ये जो है ये लैंग्वेज के बारे में बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कितने लैंग्वेजेज हैं हमें पता है कि हमारा जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो कितना है ट्वेंटी टू है और वो लैंग्वेजेस कौन कौन से असम असामीज बंगाली बोडो डोगरी यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है बट आपको याद क्या रखना है कि ये ओरिजिनली जो आपका एट शेड्यूल एड हुआ था तो वहाँ पे ट्वेंटी टू पूरे लैंग्वेजेस नहीं थे हमारे शेड्यूल में बट वहाँ पे आफ्टर वेरियस अमेंडमेंट्स फोर और लैंग्वेज एड किए गए बाई ट्वेंटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी सेवन से कौन सा वर्ड यूज किया कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था सिंधी लैंग्वेज इन दैड्यूल बाई सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था मणिपुरी नेपाली अगेन आप बात करते हैं अगर नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री तो यहाँ पर चार लैंग्वेज एड किए गए दैट वॉज द बोडो डोंगरी मैथिली एंड संतली ये आपको याद रखना है कि लास्ट में जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज इन 2003 तो वहाँ पे चार लैंग्वेज हमारे एट्थ शेड्यूल में ऐड हुए थे और ओरिजिनली आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ओरिजिनली इतने लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल लिस्ट में नहीं थे बट विद द टाइम टू तो टाइम ट्वेंटी तो हो गया ओरिजिनली कितने थे फोर्टीन थे नाउ इफ एम टॉकिंग अबाउट नाइन्थ शेड्यूल बेसिकली ये आपका जो नाइन्थ शेड्यूल है इट टॉक्स अबाउट एक्ट्स एंड रेगुलेशन of 19 of the state legislature that deals with the land reform and evolution of zamindari systems ye basically jo 19 state legislature unke bare mein discuss karta hai unke rules regulation that is will be basically related to land reform uh, land, land reforms and evolution of zamindari system अब बात आता है कि ये कब ऐड हुआ था जैसे हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन लिया था जुडिशियल रिव्यू का डिसीजन लिया गया था कि हमारे यहाँ पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं तो so, यहाँ पे बेसिकली आपका जो नाइन्थ शेड्यूल है इट टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू यू कैन से एनी एनी थिंग दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी थिंग दैट इज मेड बाई द पार्लियामेंट इफ इफ दैट लॉ इज़ वायलेटेड बाई एनी इफ दैट लॉ वायलेट द फंडामेंटल राइट्स देन इट विल बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ना इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टेंथ शेड्यूल सो वॉट इट टॉक्स इट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन मीन्स अगर कोई भी इंसान है उसको डिसक्वालीफाई करना कोई भी मेम्बर है जो पार्लियामेंट का अगर आप पार्लियामेंट या स्टेट लजिस्ट्रेट का अगर आप उसको डिसक्वालीफाई कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन सो वो 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 आपके टेंथ शेड्यूल में इंक्लूडेड है और ये आपका जो टेंथ शेड्यूल है वो कब ऐड हुआ था फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी फाइव से दैट वाई इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ डिफेक्शन के ग्राउंड पर आप किसी भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लिटर को आप क्या कर रहे हैं डिसक्वालीफाई कर रहे हैं नाउ जो इलेवेंथ शेड्यूल है एंड ट्वेल्थ शेड्यूल है इलेवेंथ शेड्यूल पंचायती राज से रिलेटेड है एंड जो ट्वेल्थ शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है सो वर्ट इलेवेंथ शेड्यूल टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत एंड वेन इट वॉज एडेड इट वॉज एडेड इन बाय द सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी टू अभी कितने मैटर्स से हमारे पंचायत से रिलेटेड नाइन ट्वेंटी नाइन मैटर्स से एंड व्हाट आर्टिकल व्हाट ट्वेल्थ शेड्यूल टॉक्स इट टॉक्स अबाउट पावर ऑथोरिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिपलिटीज़ एंड अभी और अभी की बात करें तो प्रेजेंट में कितने इनके मैटर्स से एटीन मैटर्स है एंड इट वॉज एडेड बाई द सेवेंटी फोर्थ अमेन्डमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन्टी टू तो हमें चार लास्ट के जो है वो याद रखना है कि नाइन्थ शेड्यूल जो था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सेट हुआ था वहीं आपका जो दूसरा है दैट इज द टेंथ शेड्यूल वो हमारा फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन एटी फाइव से हुआ था और इलेवन और ट्वेल्थ जो है वो सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट से एड हुआ था सो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियो डोंट फॉर गेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट गिटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोज़